हे भाई लोग, कैसे हो सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग तो बढ़िया होंगे। तो आज मेरे पास दो अलग ब्रांड का दो अलग स्मार्टफोन है और दोनों ही अपने अपने प्राइस रेंज पर वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले मेरे राइट हैंड पर देख सकते हो मोटो G32 स्मार्टफोन है और इस स्मार्टफोन का 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरियंट फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल पर आफ्टर बैंक ऑफर मेरे को सिर्फ 9000 के अंदर मिल गया है। और मेरे लेफ्ट हैंड पर देख सकते हो सैमसंग गैलेक्सी A14 5G स्मार्टफोन है और इस स्मार्टफोन का 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल के अंदर आफ्टर बैंक ऑफर मेरे को सिर्फ 11000 के अंदर मिला है। सो भाई लोग, दोनों स्मार्टफोन के अंदर प्राइस डिफरेंस है सिर्फ 2000 का। तो चलो दोनों स्मार्टफोन को साइड बाई साइड रख के हैंडकैम फ्री फायर गेम प्ले करते और देखते कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेहतर गेमिंग परफॉर्मेंस निकल कर देता है। और हाँ भाई लोग, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा वो गाइस क्लियर करके वीडियो के एंड पर मैं आप लोगों को बोल दूंगा। तो चलो भाई लोग, सीधा हैंडकैम की तरफ चलते हैं। अभी गाइस मेरे राइट साइड में देख सकते हो मोटो G32 और लेफ्ट साइड में है सैमसंग गैलेक्सी F14 5G। तो सबसे पहले हम दोनों स्मार्टफोन के ऊपर फ्री फायर गेम को एक साथ टैप करके देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन सबसे पहले गेम को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो लोडिंग स्पीड यहाँ पर सैमसंग के अंदर बहुत ही फास्ट है और गेम भी ओपन हो गए, लेकिन मोटो के अंदर अभी तक गेम ओपन नहीं हुआ। सो 3-4 सेकेंड एक्स्ट्रा लिया मोटो ने, उसके बाद यहाँ पर भी गेम ओपन हो गया। तो अभी देख सकते हो मेरा दोनों स्मार्टफोन के अंदर दो अलग आईडी ओपन है, लेकिन मैं जब गेम प्ले करूँगा तो एक ही आईडी से दोनों स्मार्टफोन के ऊपर ही गेम प्ले करूँगा, क्योंकि गन स्किन का थोड़ा सा डिफरेंस दोनों के अंदर है। तो भाई लोग, अभी दोनों स्मार्टफोन के ऊपर ग्राफिक्स और सेंसिटिविटी की बात करें तो सबसे पहले सैमसंग के अंदर देख सकते हो यहाँ पर जनरल सेंसिटिविटी 100, रेड डॉट 90 और ग्राफिक्स यहाँ पर मैक्स है, उसके साथ हाई एफपीएस कलर फिल्टर सेट और सब कुछ मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर ही सेट है। तो अभी मोटो के अंदर भी ग्राफिक्स और सेंसिटिविटी देखते हैं। कंपैरिजन को फेयर रखने के लिए मैंने दोनों स्मार्टफोन के ऊपर ही ग्राफिक्स और सेंसिटिविटी सेम रखा। यहाँ पर गाइस देख सकते हो मोटो के अंदर भी जनरल सेंसिटिविटी 100, रेड डॉट 90 और ग्राफिक्स देख सकते हो मैक्स ही है और कलर फिल्टर हाई एफपीएस सेट सब कुछ मैं सेम ही रख दिया। तो अभी चलो मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर सबसे पहले गैलेक्सी F14 के ऊपर सोलो वर्सेस स्क्वाड फुल मैप रैंक मैच का गेम प्ले देखते, उसके बाद मोटो के अंदर भी सेम ग्राफिक्स के ऊपर सोलो वर्सेस स्क्वाड फुल मैप रैंक मैच का गेम प्ले भी देखेंगे। Yeah.
तो गाइस आप लोगों ने तो मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर गैलेक्सी ए 14 के अंदर फुल मैप रैंक मैच का गेम प्ले देख लिया। अभी चलो मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर ही मोटो जी 32 स्मार्टफोन के अंदर भी फुल मैप रैंक मैच का गेम प्ले देखते हैं। ऑलराइट गाइस आप लोगों ने तो दोनों स्मार्टफोन का गेम प्ले यहाँ पर देख लिया। मोटो के अंदर देख सकते हो इस जगह पर ही एक तगड़ा वाला लैग मारा और मैं सीधा लॉबी के अंदर चला गया। तो भाई लोग आप लोगों को यहाँ पर ही क्लियर हो गया है कि मोटो के अंदर मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर फुल मैप रैंक मैच आप लोग स्मूथली नहीं खेल पाओगे, लेकिन गैलेक्सी एफ 14 का गेम प्ले भाई मेरे को बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगा है, क्योंकि मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर सोलो वर्सेस स्क्वाड के अंदर कोई भी लैगिंग इशू मेरे को तो देखने के लिए नहीं मिला। हाँ हल्का फुल्का फ्रेम ड्रॉप्स आप लोगों को नोटिस होगा, लेकिन प्राइस को कंसीडर करते हुए गेम प्ले गैलेक्सी एफ 14 का काफी बेहतरीन है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा अगर गेम को अच्छे से स्मूथली खेलना चाहते हो तो 2000 ज्यादा स्पेंड करके गैलेक्सी एफ 14 के तरफ जाना। लेकिन आप लोगों का बजट अगर बहुत टाइट है, मतलब अंडर 10,000 ही कोई स्मार्टफोन लेना है, तो मेरे हिसाब से मोटो जी 32 एक बेहतर ऑप्शन भी हो सकता है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ अगर आप लोग बजट को बढ़ा सकते हो तो गैलेक्सी एफ 14 के अंदर बेटर बैटरी, बेटर कैमरा, बेटर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा। सो भाई लोग आज के वीडियो पर तो इतना ही। अगर भाई का वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो भाई के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो मिलते हैं और एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।